हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हमारा मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं फॉर एमकॉम प्रिपरेशन। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे यूनिट वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ये रही उसकी डेफिनेशन। प्रेजेंटेशन करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस वे में कि मैनेजमेंट नेसेसरी डिसीजन ले पाए। Presentation of accounting information so as to assist management to take necessary decision to make to create policies regarding the company. Alright, तो management accounting आया कहाँ से है? ये cost accounting की limitation से आया है, financial accounting की limitation से आया है, cost accounting की limitation से आया है management accounting. So it is comparatively a new discipline. ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें? इसमें देखो दो चीज़ है, management plus accounting, मतलब ये integral नेचर है इसका। मैनेजमेंट भी है और अकाउंटिंग भी है। मैनेजमेंट आपको पता है क्या होता है, अकाउंटिंग भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, मैं ये नहीं करवा रहा, ये है इंटीग्रल नेचर है इसका। इसका एक एडवाइजरी नेचर है, एडवाइजरी नेचर यानी कि असिस्ट करता है मैनेजमेंट को ताकि वो नेसेसरी डिसीजन ले पाए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एडवाइजरी नेचर है इसका। इसका एक स्टाफ फंक्शन भी है, मतलब कि स्टाफ नेचर, स्टाफ फंक्शन या फिर सर्विस फंक्शन, सर्विस प्रोवाइड करवाता है अपनी। आगे है कि ये फ्यूचरिस्टिक है, मैनेजमेंट किस लिए लेती है डिसीजन, फ्यूचर के लिए ही तो लेती है ना, तो ये फ्यूचरिस्टिक है। ये तो हो गए इसके नेचर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते क्यों हैं, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? वही सारी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्शन ज़्यादा करना, आउटपुट ज़्यादा करना। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे बेसिक चीज़ें जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स थी। तो नेचर भी हो गया हमारा कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, नेचर भी कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, और आपको पता चल गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को ताकि वो नेसेसरी डिसीजंस ले पाएँ रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग कॉस्ट कंट्रोल कि कितने हमें प्री डिटरमाइन करने चाहिए स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, ऑलरेडी सेट करने चाहिए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये एक बेसिस है कंट्रोल का भी, कंट्रोल का भी बेसिस है, एज वेल एज मोटिवेशन भी प्रोवाइड करवाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड करवाता है, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसको देखकर चलना है। मान के चलो कि कॉस्ट इतनी से ज़्यादा नहीं करनी है, तो वो एक मोटिवेशन की तरह होगा कि हमको ऐसे काम करना है कि हमारी कॉस्ट इससे ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, ये मोटिवेशन हो गया। और कंट्रोल कैसे करता है, कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है उन दोनों को मैच करता है, तो वहाँ से कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है। आप सभी को पता है कंट्रोल की पूरी डेफिनेशन क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, देन डेविएशंस फाइंड आउट करना। ठीक है, देन उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, ये होता है पूरा कंट्रोल। ठीक है, कंप्लीट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक हमने जान लिया, अब इसका स्कोप क्या है, वाइडर है, छोटा है, क्या है? इसका स्कोप है वाइडर, क्योंकि ये कॉस्ट फाइनेंशियल से भी इन्फॉर्मेशन उठाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ये कॉस्ट से भी इन्फॉर्मेशन उठाता है। ठीक है, दोनों से उठाता है, एज वेल एज इसके अंदर ऑडिटिंग भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, टैक्सेशन इंक्लूड हो जाता है, और ये यूज़ करता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का। ठीक है, तो ये काफ़ी एक वाइडर चीज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है कि इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसकी सारी क्या है, लिमिटेशंस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम इसमें क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, या फिर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि हम प्रोवाइड करवा सकें मैनेजमेंट को और वो अच्छे डिसीजन ले सकें। और एक और चीज़, इट इज़ अ मीन्स नॉट एन एंड। इसका क्या मतलब है, कि वही चीज़ की ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं करता, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो एंड है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो वो लोग डिसीजन लेंगे, वो एंड होगा। ऑलराइट, तो ये होगा कवर। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलो गाइज, अब करते हैं हम हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नैरो स्कोप है,
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइड, वही बात की कॉस्ट अकाउंटिंग को भी लेके चलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, और काफ़ी और चीज़ें जुड़ती है जो मैंने पहले बताया आपको। इसका नेचर क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखकर फिर चीज़ें बनाते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसीज के लिए काम आता है। नेक्स्ट है रूल फ्रेमर्स, मतलब ये आउटसाइडर्स के लिए भी ज़रूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आउटसाइडर्स भी देख सकते हैं क्या पोजीशन है कंपनी की, फाइनेंशियल क्या पोजीशन है। देन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होती है, क्योंकि ये प्लानिंग का पार्ट है, प्लान करना है हमें, तो ये सिर्फ इनसाइडर्स के लिए है, और जो भी डिसीजंस लेंगे वो इनसाइडर्स ही लेंगे, और जो भी काम करेगा वो स्टाफ करेगा, ठीक है, ये इनसाइडर्स के लिए होता है। प्लान जैसे बजट बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना, वो हम आगे करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेस होती है ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को देखकर चलना पड़ता है हमें, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हमने अकाउंटिंग में किए होंगे, आप लोगों ने किए होंगे तो वो देख लेना कौन से प्रिंसिपल्स हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इतने प्रिंसिपल्स नहीं होते, कोई सेट प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, कुछ देख कर नहीं चलना पड़ता है। लीगल कंपल्शन, ये मैंडेटरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करना कंपनी की, ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम करते हैं टू प्लान, या फिर बजट सेट करने के लिए, प्री डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कॉस्ट का, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, इंटरनली काम आता है ये, तो ये नॉट मैंडेटरी, लीगल कंपल्सन इसका। और रिपोर्टिंग कब होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी बन सकता है, प्रिपेयर एज एंड वेन रिक्वायर्ड, ठीक है, कभी भी, जैसे कि कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो जल्दी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर ली, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस। सबसे पहली चीज़ जो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो नैरोअर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइड है। इट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली रिलेटेड टू कॉस्ट, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट को भी कंसिडर करती है एज वेल एज वो परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करती है, कंट्रोल को एक्सरसाइज करके, वेरियंस फाइंड आउट करके। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट से मिलता है, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दोनों जगह से मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट है ओरिजन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग आई है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई है लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। और जो प्लानिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो थोड़ी शॉर्ट पीरियड की होती है, एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लानिंग है वो थोड़ी लॉन्ग रेंज की होती है। तो ये था गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें से कुछ एमकॉम के पेपर में नहीं आने वाला है, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करवाने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अब जल्दी से हम करते हैं, जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। जल्दी से ये तीन टॉपिक कवर करते हैं और हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉस्ट कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है, किसी को पता है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली कॉस्ट को कंट्रोल करते रहते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना एक, तो स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे ना हो तो वैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं अभी हम। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसीजर है या प्रोसेस कहते हैं हम, प्रोसेस, एक सेकेंड यार मार्कर ख़त्म हो गया। हाँ, तो प्रोसेस है कॉस्ट को, प्रोसेस ऑफ कि कॉस्ट को कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं पहले से, जो एक्चुअल चल रहा है, या तो उसके पास लेके जाना, उससे ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। मान के चलो कॉस्ट हमेशा हमारी कम की रहती है, कि हम कॉस्ट कम लगाएं और आउटपुट हमारा ज़्यादा हो, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, ठीक है, एंड क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट। तो कॉस्ट को हमेशा कम रखते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड किया हुआ है, बोला हुआ है कि इससे ऊपर तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, तो कॉस्ट को कंट्रोल करो यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल ख़त्म होता है वहाँ पे प्रोसीजर शुरू होता है कॉस्ट रिडक्शन का। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, तो कॉस्ट कंट्रोल की दो चीज़ बता दूँ मैं, एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो है बजटरी कंट्रोल एंड दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हम करने वाले हैं आगे आगे,
इसी सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन, जहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल खत्म होता है वहाँ से रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन शुरू होता है। अब नाम से पता चल रहा है कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। पहले तो हम कंट्रोल कर रहे थे, पहले तो हमारा इतना ही था कि हम सिर्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट नाउ कंट्रोल हो चुकी है कॉस्ट, नाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हमेशा, इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल जो है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती इम्प्रूवमेंट करना। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है कि विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, ये मेन चीज़ है इसकी, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी और विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस। और रिड्यूस क्या है, वो परमानेंट रिडक्शन है कॉस्ट के अंदर। अब समझ में आया कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, कि परमानेंट रिडक्शन है इन द पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट इम्पेयरिंग देयर क्वालिटी एंड विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी, कि क्वालिटी को बिना कम किए और क्वांटिटी को बिना कम किए हम कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट कंट्रोल खत्म होने के बाद कॉस्ट रिडक्शन शुरू हो जाती है। तो ये दो कंसेप्ट थे, वो हो गए क्लियर। अब एक आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, जब मैनेजर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल करता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, उसे हम कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, सिंपल। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा चैप्टर, बिल्कुल ईजी चैप्टर था। यूनिट वन हमारी कंप्लीट हो चुकी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसके अंदर हमने बेसिक्स किए हैं। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड मार्जिनल या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत मज़ा आता है करने में। देन लास्ट है मेक और बाय डिसीजन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियोस बस एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से एमकॉम के अंदर आई डोंट थिंक सो कि कुछ आ सकता है।